बिल्कुल स्वस्ति जी, मैं चाहूँगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस भजन का जिक्र किया है, एक बार आप हमारे दर्शकों को एक बार फिर से वही भजन गुनगुनाकर अगर सुनाना चाहें तो। जी, मैं उसकी दो लाइन सुनाती हूँ। जी मेरे राम आएंगे, माँ सीता संग आएंगे, भ्राता लक्ष्मण और भक्त हनुमान आएंगे। मेरे राम आएंगे, माँ सीता संग आएंगे, भ्राता लक्ष्मण और भक्त हनुमान आएंगे। राम आएंगे तो सब मनाएंगे, राम राज का ध्वज लहराएंगे। हो जय जय श्री राम से विश्व गूंजेगा जब राम आएंगे। राम आएंगे तो पार लगा जाएंगे, राम आएंगे। तो ये लाइन जो हर भक्त की आवाज है जी स्वस्ति जी, जी। जब से राम मंदिर कहा जाए कि उसके निर्माण का जिक्र शुरू हुआ है, या फिर ये फैसला आया जब से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का जिक्र शुरू हुआ है, कैसे ये जो भजन है इसका निर्माण कैसे किया, कैसे आपको ये ख्याल आया कि भजन जो है वो राम मंदिर चूंकि प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, इसको लिखना चाहिए, इसको गाना चाहिए, कंपोज करना चाहिए? जी, जब मुझे पता चला तो मैंने सोचा कि मेरी तरफ से क्या योगदान हो सकता है। तो जी एक कलाकार की तरफ से उसकी कला का ही जी उपयोग हो सकता है, तो व्हाई नॉट राइट अ सॉन्ग ऑन राम, श्री राम। तब मैंने कोशिश की कि कुछ लिखती हूँ, और उसी के चलते मैंने एक महीने पहले जो रिलीज किया था, लोग इतना प्यार दे रहे हैं तो बहुत खुश हूँ। कितना वक्त लगा आपको ये पूरा भजन तैयार करने में, क्योंकि ऐसा लगता है कि भजन जो है वो काफी सोच समझकर भावुक करने वाला भजन है, तमाम जो श्रद्धालु हैं वो उनके लिए कहा जाए कि भावुक करने वाला ये भजन है, तो कितना वक्त स्वस्ति इसको तैयार करने में लगा? जैसा कि आपने कहा कि कुछ वक्त पहले आपने इस भजन को रिलीज किया और उसके बाद लोग इतना बड़ी संख्या में इसको पसंद कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको पसंद किया और उन्होंने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसको इसको लेकर अपने विचार व्यक्त किए हैं। अब वक्त तो मैं कैसे बताऊंगी, पर हाँ, बहुत वक्त लगा जी ऐसे भावों को, क्योंकि मैं हर अपने गाने में ये कोशिश करती हूँ कि जो मैं लिख रही हूँ वो सिर्फ मेरी ही आवाज नहीं है, वो हर किसी के भाव होने चाहिए। जब कोई भी उसे सुनेगा तब वो उसे ये महसूस होना चाहिए कि अरे, ये तो मेरी ही बात है, ये मेरे ही भाव है। तो ये एक चीज थी मेरे दिमाग में, और ये हमेशा होती है मैं जितने भी अपने गाने लिखती हूँ। सो स्वस्ति या थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो, जी, एंड बहुत इट बहुत वॉज बहुत लवली शुक्रिया लवली भारत टॉकिंग टू समाचार यू। से बातचीत करने के लिए। तो स्वस्ति मेहुल जी हमारे साथ, जिन्होंने कहा जाए कि आप अयोध्या राम मंदिर का निर्माण होने वाला